तो राम राम भाइयों, देख लो आज हम नावला गांव में आए हुए हैं कुत्तों के ब्रीडर्स के पास में। अभी आपसे जानकारी लेवेंगे इसके बारे में। एक बार आप देख लो, डाबरमैन की फीमेल है यो। अभी इसके बारे में जानकारी देवेंगे आपको। काटने की तो नहीं, देख लो आप एक बार फेस को। कैमरा ही नज़दीक कर दूँ मैं नहीं जाता नज़दीक हूँ इसका, कभी पता चला वीडियो ही बनवा दिया। बनती तो नहीं है, बनती नहीं है, खुले ही रखे है अपने कुत्तों को। जितने को भी जंजीर वो देख के अंदाजा लग रहा होगा जर लगी हुई, पता नहीं कहाँ से लाए, नहीं तो खुले ही रहे जी। खुले रहे। तो ये अपना थोड़ा नाम परिचय। मेरा नाम धुनसिंह त्यागी भाई, गांव नावला, जिला मुजफ्फरनगर। तो ये आपके जो है कितने दिन की है? ये 17 मंथ की होगी। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो, आप कहाँ से लेके आए थे जी आप इसे? भैया इसे ली थी ना मुजफ्फरनगर से, बच्चा ही खरीदा था। बच्चा हाँ, पपी ले गए। तो कितने दिन के लेके आए थे जी आप इसे? भाई से 35 दिन के लेके आए थे। और कितने क्या प्राइस में लेके आए थे आप इसे? भाई 9,000 रुपये की। 9,000 के लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे जी? इनके ब्रीडर का नाम बताओ आप। ये है वहाँ के चंद्रपाल है जी, दीवान जी, कहाँ से जी? मुजफ्फरनगर में नहीं, किस जगह पे? ये पड़ता है इधर श्री राम कॉलेज वाली रोड पे। श्री राम कॉलेज वाली रोड पर पड़ता है भाई। तो उनका ब्रीडिंग का ही काम है? हाँ, ब्रीडिंग का। तो उनके पास हर ब्रीड के डॉग मिल जा? डाबरमैन के हैं। अच्छा, डाबरमैन के मिलते हैं। तो आप इसे कितने दिन के लेकर आए थे ये? 35 दिन के लेकर आए थे। और 9,000 के लेकर आए थे आप। तो अब कितने दिन, क्या एज हो रही होगी इसकी कुछ? ये 16-17 महीने की होगी। 16-17 महीने की हो रही, ज़्यादा एज नहीं हुई। तो अभी प्रेग्नेंट तो हुई नहीं होगी जी? तो पूँछ आपने कटवाई थी इसकी या कटी कटाई? नहीं, कटी कटाई आई। पूँछ भाइयों कटी कटाई आई थी इसकी। तो जिसकी डाइट में क्या क्या चल रहा है, आप इसकी डाइट बताओ एक बार। डाइट में तो नॉर्मल खाना भैया, घर का खाना, वैसे अलग से कुछ नहीं है। अलग से बस थोड़ा फूड दे दें, फीड वगैरह। हाँ, फीड वगैरह, फीड वगैरह दे दे, कैल्शियम वगैरह। ये तो लीवर टोनिक वगैरह ये तो सब चलती रहे। एक इनके पास में हो रहा है गोल्डन ही टीवर की एक पपी है इनके पास में, वो भी फीमेल ही है जी। फीमेल है। तो एक बार उसे भी दिखाओ आप। हाँ। इसे वहीं कर दो जी बंदिश में ही, पिंजरे में। अभी भाइयों इनके गोल्डन ही टीवर भी दिखाते हैं। तो भैया देख लो गोल्डन रिट्रीवर के जो छोटी पप्पी है यो लेकर आगे। तो जी कितने दिन की हो रही है भैया? 45 दिन। इधर आ जाओ आप, यहाँ थोड़े बैठ लो। हाँ बैठ जाओ जी। तो ये कितने दिन की हो रही है? ये होगी 45 दिन की बच्ची। तो कहाँ से लेकर आए थे आप इसे? ये लेकर आए थे भैया हम इसको बधाई से। बधाई से किसके पास में लेकर आए थे जी आप? योगेश मलिक जी हैं, उनके पास लेकर आए थे भाई। देख लो भैया कितनी अच्छी है, 45 दिन की होगी। और कितने दिन की लेकर आए थे जी आप? ये तो भी एक ही लाए हैं, 4-5 दिन का लाए। एक महीने से भी ऊपर की लाए थे? अच्छा, अभी लाए? अभी लाए, 40 दिन। तो इसका क्या प्राइस में लेकर आए जी आप? ये अभी भाई 9,000 की आई, और वो अभी 9,000 की आई थी। ये भी पेपर बची है भाई। क्या जी? केसीआई रजिस्टर्ड। इसके बारे में बताओ आप। ये केसीआई रजिस्टर्ड है भैया बच्ची। अच्छा जी, मतलब फादर दोनों इम्पोर्ट लाइन के हैं। इम्पोर्टेड है दोनों के फादर? मतलब फादर दोनों इम्पोर्ट लाइन के हैं, विद पेपर है दोनों। अच्छा जी, तो इसके पेपर भी आपके पास में है? हाँ, अप्लाई करके इसके पेपर आवेंगे अभी 45 दिन के आसपास लग जाएंगे। हाँ। तो जी ये बताओ, जैसो आपको ब्रीडिंग करते हुए कितना समय होगा डॉग की? भाई बहुत दिन हो गए, बचपन से कर रहे हैं हम तो। फिर भी करीब हो गए 9-10 साल। 9-10 साल हो गए। तो आपके पास में कौन कौन से डॉग आ लिए जी अब तक? भाई मेरे पास तो डाबरमैन, लेबरा, जर्मन शेफर्ड, बुल मैस्टिफ, मेन मेन सारी नस्ल के आ लिए। मेन करीब करीब सभी नस्ल के डॉग आ गए। वैसे आपको कौन सी नस्ल का शौक है जी? भाई शौक तो डाबरमैन का है। डाबरमैन का है, इसी वजह से आप जैसे और कुत्ते कम कर दिए, अब जो एक डाबरमैन की रख रखी। आप देख लो भाई दिखाई मैंने आपको, और एक जो आप गोल्डन रिट्रीवर की अभी लेकर आए, नहीं तो एक यही रहेगी थी डाबरमैन। डाबरमैन तो अब जा क्या कारण रहा जी आपने कुत्ते रखने कम कर दिए? भाई
भाई असल में मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत आ गई। अच्छा जी, जो छोटे छोटे ब्रीडर थे उन्होंने जो है मार्केट में रेट खराब कर दिए और क्वालिटी भी खराब हो गई। अब जाए जो बड़े ब्रीडर थे वो क्वालिटी भी अच्छी दे रहे थे और जो है अब छोटे ब्रीडर जो है क्या करते हैं हल्की क्वालिटी के बच्चे सेल करते हैं, फिर आपको दिक्कत होती है। फिर उनके ऐसे आगे रेट घट जाए, रेट घट जाए फिर मतलब फिर उलाने भी दे भाई बच्चा अच्छा नहीं निकला, बढ़िया नस्ल के नहीं निकलते, फिर प्योर नहीं देते, मतलब कुल मिला के बात ही आया। तो इस वजह से अब जो आपने रखने कम कर दिए। तो वैसे आपका सेल परचेज का काम था जी या शौक के तौर पर रखो थे आप? सेल भी कर दो थे वैसे। सेल भी कर देते कोई अपना अपना भाई बंदा मतलब लेने। हाँ जी, उसे दे देते। अच्छा बच्चा। हाँ जी, बढ़िया। तो अभी जैसा आपके पास में दो है, एक वो है और एक यो है, तो जिसमें सेल के लिए भी है कोई? ना भाई, इसमें सेल के लिए कोई नहीं, ये बस शौक के तौर पर रख रखे आपने। काम तो करना ही बंद कर दिया, बस खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। अब तो ज्यादातर जो बड़े ब्रीडर है सबने वो काम छोड़ सी दिया। हाँ, अब तो बस अब तो शौक के लिए रखे। तो भाइयों देख लो, इन्होंने बताया आप जो शौक के तौर पर रख रखे, सेल के लिए कोई सा भी है नहीं इसमें। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, और अच्छी लगे तो लाइक करियो। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, एक बार इसे नीचे छोड़ दो जी। आ जा देख लो भाइयों मेरे साथ कैसे चलती।